आज हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं चुराया उसी, हमने तो उस दानव से छीनने की कोशिश की थी, पर झूठ। हम मतलब झूठ क्यों बोलने लगे? हम सच कह रहे हैं, और सीन गया है तो आपकी वजह से। हमारी वजह से कैसे? हमें बोलने का मौका तो दीजिए, हम समझाते। महाराज देखिए, आपकी वजह से ऐसे, क्योंकि उस समय में आपको सोना नहीं चाहिए था हुजूर। मतलब आप सो गए, कोई चिंता नहीं है, पर उसी चीज का वो दानव फायदा उठा गया, वो आपसे सींग ले गया। हाँ हुजूर, हमने तो अपनी जान की बाजी लगा दी थी उस सींग को बचाने के लिए, पर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो अपनी धर्मपत्नी जी से पूछ लीजिए, कहिए ना। जो हो चुका है उसके बारे में झगड़ा करके क्या फायदा, अब आगे क्या करना है वो सोचिए। अरे हम मंजिल के इतने करीब थे और इतने करीब। तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को देखने के बाद अब हमारी जान में जान आई है। आप घबराइए नहीं माँ, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है हमें कुछ नहीं हो सकता। हम जानते थे जब तक वीरेंद्र चंद्रकांता के साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता। चंद्रकांता, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे चंद्रकांता, क्या बात है? देखते हैं माँ। तू रटो हमसे। ऐसी सजा की वजह क्या है? तुम्हें अंदाजा भी हमारी क्या हालत थी, जब उस दानव ने तुम्हें, क्या जरूरत थी वहां? पता है, अगर तुम उस वक्त वापस नहीं आते तो हम तो मर ही गए होते। हमें नहीं पता था राजकुमारी कि आप अपने वीरेंद्र से इतनी मोहब्बत करती हैं। तुम नहीं जानते कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते। मुसीबत में तुम होते हो और जान हमारी निकल जाती। एक बात बताएं आपको, हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह राजकुमारी चंद्रकांता थी, यानी कि आप। हम क्यों? हमने ऐसा क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया आपने, इसीलिए तो। अपना कहने का मतलब है कि आपने उनसे वादा किया था कि आप हमें हमारा इनाम देंगी, पर अफसोस आपने तो कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं, उस घटना का इससे कोई लेना देना नहीं। पता नहीं, पर कई लोग कहते हैं कि अगर आप वादा करें और उसे पूरा ना करें तो मुश्किलें आ सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर किसी नहीं होगा। आपको हो गया वादा पूरा। धोखा है ये। खैर, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे राजकुमारी। कुमारी, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हाँ, हम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकती, पर ये मुझे नहीं लगता आपसे नहीं होगा। नहीं पूरी तू हो जाए, भर जाए इस तरह, तुझ में मैं खो जाऊं, यूं हो जाऊं लापता। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी माने तो ये सही मौका है नौगढ़ पर आक्रमण करने का। अभी सब विवाह की तैयारी में जुटे होंगे, किसी को अनुमान भी नहीं होगा कि हमने उन पर आक्रमण किया। अरे करोड़ सिंह, भूल गए तुम? वीरेंद्र ने क्या हश्र किया उन दानव का। जब वो अकेला उन दानवों का विनाश कर सकता है, तो हमारी सेना का विनाश करना उसके बाएं हाथ का खेल है। अब हम नौगढ़ पर आक्रमण कर दो। अरे श्यामला, अपने पति को परेशान देख रही हो, लेकिन फिर भी शांत हो। बिच्छू की सेना तैयार करके नौगढ़ पर आक्रमण क्यों नहीं कर रही तुम? स्वामी, बिच्छू की फौज तैयार करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो क्या करें हम? ऐसे चुपचाप बैठे रहें? एक रास्ता है। क्या? मेरी बहन सौंदर्य, अद्भुत शक्तियों की मलिका है वो। आज तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाया है। हम उसी से मदद मांगेंगे। वाह, तो बुलाओ उसे श्यामला। युवराज, क्या बात है? आप की तबीयत तो ठीक है? हम ठीक हैं तेज सिंह। आप बताइए तेज सिंह, आप इतनी सुबह यहाँ, कोई जरूरी काम? युवराज, शिद्दत आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मानवीय शक्तियों की मदद ले रहा है। खैर, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया आपको, पर इससे पहले कि वो अपनी अगली चाल चले, हमें उसे रोकना होगा। एक बार ये विवाह संपन्न हो जाए तेज सिंह, उसके बाद इस शिद्दत को हम सही तरीके से मिलेंगे। युवराज, अभी विवाह में वक्त है कि इससे नहीं। तेज सिंह, हम माँ से बात करेंगे और इस विवाह को जल्दी कराएंगे। उसके बाद ये शिद्दत और उससे जुड़ी सारी मुश्किलों को एक साथ देखेंगे। सौंदर्य, आओ। जहान की खूबसूरती देखी, पर आज पहली बार हूर की परी देख रहे हैं। बेशक हूर तो हूं मैं, और एक बार अगर कोई मेरी आंखों में देख ले तो उससे मैं कुछ भी करवा सकती हूँ। कुछ भी करा सकती हैं? जैसे? हंसो। खामोश। अब मुर्गा बन जाओ। खड़े हो जाओ। इसके 2 टुकड़े कर दो। हुजूर, सेव सर नहीं। अब एक काम करो, वहां उस दीवार पे जाके खड़े हो जाओ। लेकिन क्या सम्मोहन की शक्ति ही काफी है? नहीं, इसलिए हमने और भी शक्तियां हासिल की। हुजूर, ये तो कमाल ही था। आप इतना डरते क्यों हैं? आप? वल्ला वो क्या है कि हमें आपकी याद आ रही थी तो हम यहाँ चले आए। हमने आपको याद किया, गलत किया। वो क्या है ना, हमें तन्हाई पसंद नहीं। आइए ना। इस पल के इंतजार में हमारी उम्र बीत गई राजकुमारी जी। पर कम वक्त आज हमारा ख्वाब पूरा हो गया। आपके ख्वाब में बातें ही होती हैं क्या? चोर कमबख्त। ये हकीकत नहीं, ये तो माया थी और आप इसमें फंस गए। अब हुजूर ये तो कमाल है। मुझे वीरेंद्र चाहिए। बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो चाहे मांग लो। याद रखिएगा ये बात, सही वक्त आने पे बताऊंगी। रुकिए, कौन है आप? किसने बुलाया है आपको? महारानी पद्मिका, ये जो हम दोनों ने मिलकर शादी जल्दी करवाने का फैसला लिया है, उससे दोनों परिवारों में जरा हिम्मत आ गई, वरना वो दानव जब उनको लेकर जा रहा था। जयसिंह जी, ऐसे खुशी के माहौल में कभी भी बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। अब तो खुशियों का समय है और हमें पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों के विवाह में अब कोई भी अड़चन या मुश्किलें नहीं आएंगी। वैसे हम बहुत खुश है कि हमारी बेटी आपके घर में आ रही है। जयसिंह जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चंद्रकांता को हम बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। शुक्रिया। अरे चपला, मैं तो भूल ही गई थी कि राजकुमारी जी ने मुझे युवराज से मेहंदी का शगुन लाने को कहा था। अच्छा सुनो, मैं जाती हूँ। कौन हो तुम? महारानी जी, महारानी, महारानी, राजकुमार वीरेंद्र का कक्ष किधर है? ले चलो मुझे उसके पास। और तुम लोग, कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगा, सब अपना अपना काम कर, समझे? अरे माँ, आप अच्छा आप आ गई। माँ, हमें सब शादी से पहले चंद्रकांता से मिलने से रोक क्यों रहे? आपने भी कह दिया कि शादी से पहले हम चंद्रकांता से ना मिलें। माँ, आप तो जानती हैं हमारा रिश्ता कितना अलग है कि नहीं? माँ इतनी चुप क्यों है? इन्हें क्या हुआ है? धन्यवाद महारानी साहिबा, अब आप जा सकती हैं। माँ, माँ